हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई सुबह वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जिस बंदे को हम टीसी टीसी बोलते थे वो टीसी आई नहीं भाई, उसका पूरा नाम है द कमांडर। सबसे वो यही बुलवाता है अपने नाम को, पता नहीं उसका रियल नाम तो क्या है, बट फिलहाल हम भी उसको कमांडर ही बोलेंगे टीसी टीसी बोल के। हम भी क्यों कन्फ्यूज हो अपने आप में, क्योंकि उसका नाम टीसी है ही नहीं। टीसी के चक्कर में हमने गलत बंदों को ढूंढ दिया। अगर हम कमांडर के बारे में सर्च करते तो क्या पता हमें कुछ ना कुछ मिल जाता, क्योंकि लेस्टर टीसी को ढूंढ रहा था। टीसी भाई वो है ही नहीं, गलत बंदे को ढूंढेगा तो इन्फॉर्मेशन गलत ही मिलेगी। और भाई हमारे कमांडर ने हमसे एक बहुत बड़ा कांड करवा दिया। मिस्टर टिंडा बहुत ही बड़ा कोई साइको किलर है, मैंने भी लेस्टर से भी पता किया, वो बोल रहा है कि बहुत बड़ा बेवकूफ बंदा है, तो ऐसे ही मर्डर कर देता है, बात बात पे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी का क्या नुकसान हो जाएगा, बहुत पागल बंदा है। भाई अभी तो मैं माइकल के घर पे जा रहा हूँ और वहां पे जाकर के ही चेक करूंगा। माइकल तो बेवकूफ है, उसने मेरी बात को सुना ही नहीं, हल्के में लेगा और वो घर पर भी नहीं है। कभी उसकी फैमिली को कुछ हो ना जाए तो वहां पे जाकर के चेक करूंगा और टिंडा को समझाऊंगा कि मेरे प्यारे भाई सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि वो तेरे बेस थे, नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता भाई, मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, बिना जानना पहचान क्यों मैं तेरे को मारूंगा। अगर वो समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, ना समझा तो फिर भाई दूसरा तरीके से उसको समझाना पड़ेगा। तो भाई फटाफट से माइकल के घर पे पहुंचता हूँ इससे पहले कुछ उल्टा सीधा काम ना हो जाए। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको सेट कर दो। भाई गुरु तक आपने फर्स्ट चैनल को चेकआउट किया, बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जीटी की वीडियो चलता है और इसका नेक्स्ट पॉडकास्ट सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। भाई इस वीडियो का लाइक सब्सक्राइब रखेंगे हम 14,000, उसको पूरा करा देना। ओके पहुंचता हूँ जाकर। भाई माइकल के घर पर आ चुका हूँ, चलो अंदर चल के चेक करता हूँ सब घर पे ठीक है या नहीं ठीक। भाई मैंने पूरा का पूरा घर देख लिया, ना जिमी है, ना एमेंडा, ना ट्रेसी, तीनों गायब है। माइकल से पूछता हूँ कि माइकल बदतमीज तू उनको लेकर के गया है या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना, ये माइकल ने भाई मेरे को ऐसा लगता है कुछ कांड करवा दिया, बेवकूफ बंदा। भाई माइकल से बात हो चुकी है, बेवकूफ अभी तक घर पहुंचा ही नहीं है और बोल रहा है कि मुझे नहीं पता फैमिली कहाँ है, अब फोन मिला के पूछेगा एमेंडा से और फोन लगने वाला ही नहीं जितना मेरे को पता है। कांड हो गया भाई, मिस्टर टिंडा ने काम कर दिया। अभी फोन करता हूँ लेस्टर को, लेस्टर से बोलूँगा कि मेरे भाई मेरे को मिस्टर टिंडा का नंबर निकाल करके दे, मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो प्यार से मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो यार नंबर लेता हूँ मिस्टर टिंडा का भी। भाई मैंने मिस्टर टिंडा से बात कर ली, लेस्टर ने मेरे को उसका नंबर दे दिया था। मिस्टर टिंडा भाई बड़ा ही अजीब बंदा है, मैंने उसको सब कुछ बोला, समझाया मैंने उसको, बोला कि मेरे प्यारे भाई गलत फहमी की वजह से सब कुछ हुआ है, तू चाहे तो पैसे ले ले, बेस ले ले, जो तू बोलेगा वो हम तेरे को देने के लिए तैयार है, बट फैमिली को छोड़ दे। बंदा पता है लास्ट में आकर क्या बोलता है मेरे को, हमारा टिंडा, कि मेरे प्यारे ड्राइवर तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे को तो माइकल की फैमिली का खून चाहिए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब भाई उनको जान से मारना चाह रहा है। अभी क्या करे यार, लेस्टर के पास मैं पहुंच ही गया हूँ, लेस्टर की फैक्ट्री में मैं आ गया, लेस्टर से ही बात करूँ। भाई लेस्टर ने मेरे को एक जगह के बारे में बताया जो कि हमारे मिस्टर टिंडा की है, तो लेस्टर बोल रहा है कि एक काम करो, तुम उसकी जगह पे जाके थोड़ी सी बर्बादी करो जिससे वो डर जाए कि हम तेरे को भी बर्बाद कर सकते हैं, मार सकते हैं, उसके दिल में अपना भाई डर बैठा हो ट्रेवर, क्योंकि वो साइको है ना, अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अगर तुम एक बार उसके दिल में और दिमाग में अपना डर बैठा दोगे मौत का, तो वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा, वो खुद ही घर पे छोड़ के जाएगा पूरी माइकल की फैमिली को। तो अभी भाई लेस्टर का आइडिया वैसे मेरे को लगता है सही है बिल्कुल, तो बंदे के दिमाग में डर को पैदा करा जाए। पहुंचता हूँ इसके भाई बेस पे और देखता हूँ कितने बंदे मेरे को वहां पे मिलेंगे, उनके फटाफट से खत्म करूँ और वो भी एलियन गन से, क्योंकि एलियन गन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको डर हो जाएगा कि ड्राइवर के पास एलियन गन, ये क्या आइटम है, कभी मेरे को ना मार दे, तो बंदा डर सकता है। चलो जगह पे पहुंचता हूँ और खत्म करता हूँ सभी को। भाई मैं बेस पर पहुंच चुका हूँ, चलो पहले चल के देखते हैं बेस है किस चीज का, यहाँ पे करता क्या है हमारा प्यारा प्यारा टिंडा। अरे मेरे चाचा क्या हाल चाल है, देखो सॉरी यार मारना सभी को पड़ेगा, बट पहले मैं देखूंगा यहाँ पे हमारे टिंडा जी क्या काम करते हो। ले 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 भाई ये तो कुछ अलग ही चीज है, टिंडा देखो हाथी के दांत बेच रहा है यहाँ पे। इस गार्ड से पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बंदे फोटो खींचने में लगे, कुछ बंदे यहाँ पे नॉर्मल लग रहे हैं मेरे को जैसे सामान खरीदने के लिए आए हो, और कुछ बंदे यहाँ पे गार्ड्स मेरे को लग रहे हैं, सारी बात इससे पूछता हूँ। भाई मैंने चाचा से सारी बातें पूछ ली है, ये हमारे प्यारे टिंडा का चोर बाजार है, ये सारा का सारा चोरी का माल है, और यहाँ पे ये प्यारे प्यारे टकले बाबा चोरी का सामान खरीदने के लिए आए हैं। वाह भाई वाह, देखो तो सही। अरे प्यारे बाबा ईमानदारी से ही काम कर लेते, बहुत प्यारी होती है, अभी जब वो पढ़ती है ना तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है, अभी वही वाला काम होने वाला है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे भाइयों उठ जाओ, ऊपर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा उठ लो, उठ लो, ये लो बेटो, उठ गए ना, अभी नहीं उठे, अभी उठेंगे, ये लो बेटे, आया मजा, लो भाई पीछे वाले बंदे ऊपर उठ गए, आया मजा, आएगा आएगा, ये लो बेटे कैसी लगी। ओ भाई बोलो, पीछे वाला उठ गए सारे बंदे, अबे मर के नहीं दे रहे यार, तीन चार गोली मार दी सामने वाले बंदे को, अभी भी नहीं मरा। अबे एलियन गन क्या है तू, फर्जी है भाई, लोकल माल है, मिक्स कर दी गोलियां इसकी, चल बेटे कैसी लगी। अरे रे तुम्हारा शिप खत्म हो गया, सर सॉरी मुझे माफ कर देना, ये लो बेटे आया मजा, अभी उठेगा बेटे, तू भी उठेगा ऊपर की तरफ को। चोरी का सोना भी बेचा जा रहा है, इन क्रेट्स में सारा का सारा सोना है भाई, ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का टिंडा।
पहली बार देखा है मैंने जो बंदा क्रिमिनल टाइप का होता है वो चोर बाजार भी खोल के रखता है। ये ले बेटे, आजा आजा मेरे पास ही आके गिरेगा। ये ले भाई, ये तो सच में ही उठ गया ऊपर। अरे तू तो डायलॉग को कुछ ज्यादा सीरियस ले गया भाई, इतना भी ऊपर उठने की बात नहीं हुई थी। है और कोई जिसको गोली चाहिए? तो मैंने सभी को मारा, इसके गार्ड्स को भी और जो यहाँ पे सामान लेने आए थे उनको भी मारा। तो इससे पता है क्या होगा, मार्केट खराब हो जाएगी मिस्टर टिंडा की, कि तुम्हारे बेस पे तो हमला होता है, बहुत सारे बंदे मर गए जो तुम्हारा माल खरीदने के लिए आए थे। तो क्या पता अब उसको थोड़ा सा झटका लगे, तो ट्रेवर ने तो सभी को मार दिया मेरे गार्ड्स के साथ साथ। इधर आ जा नहीं तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। ए ले बेटे, हमसे पंगा लेगा, आया बड़ा तू प्यारा प्यारा गार्ड। यहाँ पे लो भाई नोट भी देखो, मशीन में घूमे जा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब फेक करेंसी भी छापते हैं। तो भाई मैंने लगभग सभी बंदों को मार दिया जितने मेरे को यहाँ पे दिखे थे, बाकी एक दो बंदा अगर निकल के पीछे से भाग गया वो अलग बात है, फिलहाल बंदा को मार दिया। अभी वेट करते हैं मिस्टर टिंडा का, देखते हैं भाई क्या बोलेगा मेरे को फोन करके, उसको झटका लगा है या नहीं लगा। भाई अभी मेरे पास टिंडे का फोन आया, टिंडा तो बड़ा ही पागल बंदा यार, वो बोल रहा है कि ट्रेवर बेस को तोड़कर आ गए। अरे रे रे क्या यार, तुम भी थक रहे हो, लेस्टर को थका रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बाकी बेस कहाँ पर है। उसने मेरे को अपने दो बेस के बारे में और बता दिया और बोल रहा है कि जा करके उनको भी खत्म करके आओ। मेरे प्यारे भाई तू कुछ भी कर ले, फैमिली को मैं खत्म करके रहूंगा। और मैंने जिमी का थोड़ा सा खून निकाला भाई। जिमी बेटे मैं आ रहा हूँ, जिमी का इलाज कर दिया, देखो तो जिमी का खून पी गया। क्यों भाई, बंदे बोलते तो है कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये प्रैक्टिकल कर रहा है भाई, कमाल है। बंदे प्रैक्टिकल भी करते हैं, ऐसे ऐसे काम भी करने लग गए। तो भाई अभी एक काम करते हैं, बंदा बहुत ही ज्यादा समझदार बन रहा है ना, उसने मेरे को खुद ही अपने बेस के बारे में बता दिया, तो मैं भी बेस पे जाऊंगा, मैं भी दोनों बेस को खत्म करके आऊंगा। उसके बाद देखेंगे जो होना है वो बाद में देखेंगे। पहुंचता हूँ इसके बताए हुए दूसरी जगह पे जो इसने मेरे को बताया है, बड़े एक्टिंग में आकर के देखता हूँ भाई कितने बंदे वहां पे मिलेंगे मेरे को। भाई मैं बंदे के दूसरे बेस पर पहुंच चुका हूँ। यार ये किस टाइप का बेस है देखो तो सही, यार कमाल है मेरा प्यारा प्यारा भाई। ये तो बंदे भाई ऐसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पे, लगता है इसकी भाई बैकअप टीम होगी और यहाँ पे रहा करती होगी। अगर जैसे मिस्टर टिंडा के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, उसके गैंग के ऊपर हमला कर दिया, तो ये बंदे यहाँ से जाते होंगे। ये उसकी मुझे लगता है पर्सनल आर्मी बना के उसने अपनी रखी हुई है। अभी इनका भी सीधा करता हूँ। ओ भाई बंदों का हाथ में आरपीजी है भाई, मेरे को यहीं से दिख गया। अभी एलियन गन है हमारे पास भी, आ जा ड्राइवर भारी आ जा, गाड़ी में बैठ रहे हैं कोई फायदा नहीं क्योंकि बंदे आरपीजी मारेंगे। सात गोली बची है मेरे पास एलियन गन की, तो देखते हैं भाई सात गोली और ये बंदे जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो बंदों को बिल्कुल बीच में ही गोली मारूंगा जिससे एकदम से मर जाए। ये ले बेटे आया मजा। ओ भाई ऊपर वालों को देखो, पीछे वाले कैसे जा रहे। अरे रे रे, ये ले मेरे प्यारे भाई खत्म कर दूंगा। अरे भाई कैसी गैंग थी तेरी, दो गोली नहीं छील पाई भाई, दो गोली में खत्म हो गई सारे के सारे बंदे। आरपीजी वाले बंदे अरे भागे हुए। ये ले बेटे हम क्या मारेगा, आरपीजी मारी तो थी किसी ने, ऐसा लगा मेरे को। मेरा प्यारा भाई और कोई बचा है क्या, सिर्फ तीन गोली। मेरे टिंडे तू बहुत पिटेगा मुझसे क्योंकि तूने गड़बड़ कर दिया फैमिली को टच करके। माइकल को तो फिक्र ही नहीं है, मेरे को एक भी फोन नहीं करा माइकल ने अभी तक। भाई कितना अजीब बंदा है, उसकी फैमिली किडनैप हो चुकी है, मेरी हेल्प नहीं लेना चाहता, मतलब इतना ज्यादा घमंड उसमें आ चुका है, मतलब दोस्त को फोन नहीं कर सकता चाहे फैमिली मर जाए। देखो भाई ये ग्रीन गैंग वालों ने ना दिमाग खराब कर दिया माइकल का, पता नहीं यार ये ठीक कब होगा। बाबा बोल रहे थे ठीक हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक, बाबा कब ठीक होगा, उसकी फैमिली मरने वाली हो रही है, वो अभी भी नहीं सुधर रहा, फिर कब सुधरेगा, कब होगा उसको अपनी गलती का एहसास, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। चलो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं भाई, इस बेस को मैंने खत्म कर दिया। अभी तीसरी जगह पे जाता हूँ और वहाँ पे बंदों को मारूंगा नहीं यार, मेरे को भी कुछ मिल नहीं रहा इसके फ्री में बंदों को मारने से। वहाँ पे आराम से इनविजिबल होने वाला फॉर्मूला लेकर के जाऊंगा और देखूंगा बंदे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, मैंने फॉर्मूला ले लिया है, आराम से चलिए मेरे प्यार टायर कभी गिर ना जाए। तो बंदे का भाई अगला बेस जो है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बना के रखा हुआ है। हेलो चाचा क्या हाल चाल है, अच्छा हुआ भाई फॉर्मूला मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं हमारे प्यारे लेस्टर के पापा टेस्टर के, ये वाला तो काम आ जाता है, बट भाई वो वाला फॉर्मूला मेरे को बड़ा गंदा लगता है जिससे यार बंदा फ्रीज हो जाता है, उसी के चक्कर में टीसी भाग गया, नहीं तो मैं टीसी का भाई एंड कर देता तभी। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, तो बंदों ने सामने अपने सर्वर्स लगा के रखे हैं, लगता है यहाँ पे यार किसी चीज़ की हैकिंग वगैरह करता होगा या तो फिर पूरे शहर पे यहाँ पे नजर रखता होगा। तो मेरे को लगता है मिस्टर टिंडा का जो बेस है ना उनको इन्फॉर्मेशन देता है पूरे शहर की, के शहर में अब ये बंदा ये काम कर रहा है, आप ये काम कर लीजिए, इसको जा करके धमकी दीजिए, इससे पैसे ले लो, इससे डीलिंग कर लो, पूरे शहर की खबर लेते होंगे। भाई देखो तो सही बंदे एकदम सारी स्क्रीन को चेक कर रहे हैं। भाई मैं अंदर वाले रूम में आ चुका हूँ, यहाँ पर दो बंदे खड़े हुए हैं, शायद से ये यहाँ का मैनेजर होगा और यहाँ पे रहता होगा, मिस्टर टिंडा के ऑर्डर्स से ये काम करता होगा। भाई यहाँ पे कैमराज भी लगे हुए हैं ऊपर जगह जगह, देखो यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कैमराज लगे हैं। मिस्टर टिंडा इसका मतलब पल पल की खबर लेता है इन बंदों की भी, कभी बंदे काम में ध्यान ना लगा रहे हो तो बेटे खबर तुम्हारी एक एक मिनट की ले रहा है टिंडा, ध्यान से काम करना नहीं तो बंदे में दिमाग तो बहुत ही कम है, सच में मैंने देख लिया है। ओके नीचे चलता हूँ, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ऊपर तो बंदे हैकिंग करने में लगे हुए हैं पूरे शहर के, मतलब खबर निकाल रहे हैं। यहाँ वाले बंदे क्या कर रहे हैं, ड्राइवर बेटे कहाँ अटक गया, ध्यान से निकल।
ओके भाई, तो यहाँ पे छोटा सा गैरेज है हमारे प्यारे टिंडा जी का। देखो यहाँ पे कार्स मॉडिफाई कर रहे हैं उनके लिए, उनके बंदे देखे तो सही भाई क्या करने में लगे। वाह भाई वाह, यहाँ पे BMW बाइक को अपग्रेड कर रहा है यहाँ बंदा। ये देखो अबे क्या कर रहा है बदतमीज तू, साफ कर रहा है, गंदी कर रहा है बाइक को। इसके अलग ही भाई शौक चल रहे हैं, अबे नशे मत करके आए कर काम पे। ये बंदा भी भाई कुछ काम करने में लगा हुआ है, ये सफाई वाला यहाँ पे खड़ा है। ओ भाई टिंडे की बुलेट प्रूफ कुरुमा, भाई ये बुलेट प्रूफ कार है, इसमें एक भी गोली आर पार नहीं हो सकती। सामने ये भी बुलेट प्रूफ कार है, वाह भाई वाह। देखो कार का इंजन भी रखा हुआ है, लगता है इंजन चेंज करवाया कार का, फास्ट बनाई होगी इसको। भाई टिंडे की मेरे को ये जगह बहुत मस्त लगी, ऊपर बंदे हैकिंग कर रहे हैं, शहर की खबर ले रहे हैं, नीचे वाले बंदे कार को अपग्रेड करने में लगे हुए। तो भाई इन बेस वाले बंदों को मैं नहीं मारूंगा फिलहाल, मैंने सारी जगह देख ली, सिर्फ दो ही फ्लोर पे बंदे काम कर रहे हैं। तो ड्राइवर बबुआ चल जल्दी से यहाँ से कूदी मार, चल मेरे प्यारे भाई। अभी पैराशूट भी नहीं दिख रही मेरे को तो, आराम से खोल ले खोल ले खोल ले भाई, अब दिख गई। तो भाई अभी मैं फोन करता हूँ अपनी पूरी टीम को, लेस्टर को, टेरी को, मैरी को, निकी को, सबको फोन करके बोलूंगा कि जल्दी से पता लगाओ मिस्टर टिंडा की कोई ऐसी चीज है क्या जिससे वो बहुत प्यार करता है, या कुछ तो ऐसी चीज़ होगी यार जिससे हम उसके पास तक पहुंच सके। कुछ ना कुछ तो यार जरूर हमें मिलेगा, हर एक बंदे की कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा साइको क्यों ना हो। तो लेस्टर जल्दी से फोन उठा, भाई मेरे को मैरी ने बता दिया है हमारा जो मिस्टर टिंडा है ना वो अपने एक डॉग से बहुत प्यार करता है, उसके पास एक डॉग है, अब पिटेगा भाई बहुत ही ज्यादा। और मैरी ने ये भी पता लगा लिया कि हमारा प्यार टिंडा अपने डॉग की वैक्सीन कहाँ से लगवाता है, उस डॉक्टर का पता हमने निकाल लिया। अभी पहुंचता हूँ डॉक्टर के पास और उससे पूछूंगा जल्दी से बता मिस्टर टिंडा कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कब उनकी वैक्सीन लगी थी और कब अगली वाली वैक्सीन लगने वाली है। तो भाई बस अब पिटेगा बेचारा, देखो तो अपने डॉग की वजह से पकड़ा गया। अरे मेरे भाई जब तू इतना बड़ा साइको किलर है तो डॉग क्यों रखता है भाई अपने साथ, अब तेरे को ये तेरा डॉग ही पकड़वाएगा। भाई मैं डॉक्टर के घर पर पहुंच चुका हूँ, डॉक्टर को मैंने आराम से घर से बाहर बुलाया और नीचे बैठा लिया। डॉक्टर ने मेरे को सब कुछ बता दिया, डॉक्टर बोल रहा है कि ट्रेवर भाई आज ही वैक्सीन लगनी है, और मेरे पास फोन आ चुका था मिस्टर टिंडा का सुबह ही, उन्होंने मेरे को एक जगह पे बुलाया वैक्सीन लेकर के मेरे को जाना है, वो बोल रहे हैं कि इस बार वैक्सीन मैं खुद ही लगा लूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास लेकर के आ जाओ। तो मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ उनकी बताई हुई जगह पे, तो ठीक है मेरे भाई तू वैक्सीन लेकर निकल अपनी गाड़ी में, मैं तेरे को फॉलो करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आज वैक्सीन ये देने जाएगा और हम भी तो देखेंगे, क्या पता टिंडा ही लेने के लिए आ जाए वैक्सीन को। भाई हमारे प्यारे डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं, मैं इनके थोड़े पीछे रहूंगा, क्या पता हमारे टिंडा जी इस पे नजर रखवा रहे हो अपने बंदों से कि देख लेना कोई डॉक्टर को फॉलो करता हुआ हमारे पास तक ना पहुंच जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे रहूंगा ताकि किसी को शक ना हो। डॉक्टर जी पहुंचो पहुंचो पहुंचो। भाई हमारे डॉक्टर ने एक बंदे को वैक्सीन दे दी है और बंदा वैक्सीन लेकर अपनी कार में चल पड़ा है। देखो ये है वो बंदा जो कार में चाहे जा रहा है, अभी मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब मिस्टर टिंडा के पास मेरे को लेकर के जा रहा होगा, या यही मिस्टर टिंडा हो सकता है क्योंकि दूर से भाई मीटिंग हुई है, मैं दूर पर ही खड़ा हो गया था, मैंने बंदे का चेहरा नहीं देखा। अभी इसको पहुंचने दो इसके बेस पे, वहीं पे जाकर के इससे फुल एंड फाइनल सारी बातें कर लेंगे, वहीं पे आकर के मारेंगे। भाई मैं बंदे को फॉलो करता करता बेस पर पहुंच चुका हूं, मैंने फॉर्मूला ले लिया, अभी मैं इनविजिबल हो चुका हूं। मुझे लगता है भाई यही मिस्टर टिंडा का मेन बेस है जहां पर वो छुप के बैठा हुआ है। हेलो चाचा, अभी मैं बंदों को नहीं मारूंगा, पहले मैं कंफर्म करूंगा कि भाई यही वो बेस है जहां पे मेरे को जिमी और बाकी बंदे मिलने वाले। अगर यहां पे कोई नहीं मिला फिर यार गड़बड़ हो जाएगी, कि पता अगर यहां पे हुए तो फिर उसके बाद आराम से बंदों को तसल्ली से मारूंगा। अरे चाचा अबे यहां पे कुछ लगा तो देता, फिर ही मैं ड्राइवर के ऊपर से कुदवा दिया। अरे नहीं भाई रास्ता तो था, मुझे पीछे से आना चाहिए था, यहां से रास्ता था अंदर आने के लिए। भाई काफी बंदे सामने खड़े हुए हैं और कुछ बंदे पीछे एक्सरसाइज करने में लगे हुए, करो करो मेरे भाई करो। और ये धुआं कहां से आ रहा है, लगता है बंदे अपने लिए खाना बना रहे होंगे, वैसे भी दोपहर का टाइम होकर रखा है तो खाना तो खाएंगे ही। ड्राइवर बेटे ऊपर चढ़ जा, लगते भाई ऊपर की तरफ बंदे होंगे। भाई मेरे को बंदे दिख गए, ट्रेसी दिख गई, एमेंडा दिख गई और जिमी, तीनों के तीनों आराम से खड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। अब मैं बंदों को आराम से मारूंगा, पहले देख लूं टिंडा कहां पर है, टिंडा को तो देखना पड़ेगा ना। टिंडा मेरे प्यारे भाई आ रहा हूं मैं, और चाचा क्या हाल चाल है, पिटने वाले हो आप बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरे को हमारी फैमिली मिल चुकी है, अभी इनको आराम से बचाऊंगा। ये खड़े हुए कैसे देख रहे हो, ओके भाई तो ये है मेरे प्यारे भाई मिस्टर टिंडा, अपने डॉग को खुद ही इंजेक्शन दे रहा है, देले देले देले। तो ये है इसको खतरनाक सा डॉग, अरे भाई अपने टाइप का ही डॉग है भी, बस इसका कलर चेंज है, मेरे वाला ऑरेंज है, ये ब्लैक है, नहीं तो बिल्कुल सेम डॉग लेके बैठा हुआ है। तो भाई इन सभी को तो आराम से यहाँ से बचा सकता हूँ, मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्लान है जो मैं पहले से बना गया था। तो जिमी बेटे जरा पीछे आ, तेरे से बात करनी है, जिमी को समझाता हूँ, जिमी सब कुछ कर देगा। जिमी में इतनी अकल तो है, बिल्कुल मोटी बुद्धि नहीं है, थोड़ी इसकी अकल काम करती है, इसको समझा देता हूं मैं। भाई ये मेरा प्लान काम कर चुका है, मैं अपने साथ फॉर्मूला लेकर के आया था गायब होने का, तो मैंने जिमी को दिया और इसे कान में बोला कि इस फॉर्मूला को ले, तुम सबके सब गायब हो जाओगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे और पतली गली से यहाँ से निकल जाना। अब मेरे ख्याल से वो शायद से यहाँ से निकल भी गए होंगे, तीनों और जो यहाँ पे टकला खड़ा था ना उनको भाई देख रहा था, वो टकला भाग गया उनको ढूंढने के लिए, पता नहीं कैसे गायब हो गए, टकला डर तो नहीं गया और इसका पता भी नहीं चला।
तो आज कितना काम आया है हमारे प्यारे लेस्टर के पापा टेस्टर का फॉर्मूला तीनों को मैंने दिया और उनको बता दिया कि तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, आराम से निकलो कहीं से भी जहां से तुम्हें निकलने का रास्ता मिले और पहुंच के घर पे मेरे को फोन कर देना, अभी करता हूँ इस टिंडे का मैं इलाज। है बे टिंडे, बता बेटे तेरी सब्जी बनाऊं या तेरा क्या बनाऊं मैं, जल्दी बोल, तेरा तो मैं आज बेटे इलाज कर दूंगा। तो भाई अभी अच्छी सी गन निकालता हूँ, ले मेले प्याले प्याले टिंडे, आजा बेटे आजा इधर आ ले, बहुत इंजेक्शन लगा ली तूने अपने डॉग को, अभी करता हूँ तेरे को सीधा मैं। भाई मेरा इनविजिबल होने का टाइम खत्म हो चुका और इसके डॉग ने मेरे ऊपर हमला कर दिया एक बार दिखते ही, बेटे तेरे मालिक को मैं सीधा कर दूंगा, मानेगा नहीं हम पे हमला करेगा। अरे भाई साहब, ए भाई ए चाचा निकलने आते, ये ले बेटे, भाई कितना खतरनाक डॉग है, अब सीधा कर दूंगा, अपने मालिक का पूरा वफादार है भाई, जैसे ही मेरा टाइम खत्म हुआ मैं दिखने लग गया और इस डॉग ने भाई मेरे को देख लिया, ये कौन यहाँ पे आके घुस गया, मेरे मालिक को खतरा हो सकता है इससे और मेरे को काटना शुरू करेगा, है बे बदतमीज। बेटे खुश हो जा डॉगी, मेरा डॉग मेरे साथ नहीं आया, नहीं तो तेरे को तो इतना बुरा पीटता वो, जैसे एक डॉग को भाई कैसे पीटा था और वो ऐसे भागा, ये ले बेटे हमसे पंगा लेगा, ओए मेरे प्यारे टिंडे अगर तू यहाँ से हिला सीधा कर दूंगा, अपने डॉग से कटवाएगा हमारे प्यारे ड्राइवर को, ले बेटे गोली खा ले, आया मजा, अबे तुम कैसे खड़े हो प्यारे प्यारे भाइयों। भाई अभी मिनी गन इनका मारेगी, मैं सारी बुलेट्स लेकर के आया था, आज अपनी पूरी मिनी गन फुल कर लिया मैंने पहली बार, नहीं तो काफी दिन से मैं फुल नहीं कर रहा था, 2 या 3 हजार गोली लेकर आया करता था, आज पूरी 10 हजार गोली है, क्योंकि टिंडे ये सारी तेरे अंदर आने वाली है बेटे। भाई बाहर भी जितने बंदे हैं उन सभी को मैं एक बार खत्म कर दूं, नहीं तो बाद में यार मेरे को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो इसलिए मैं सभी बंदों को काम पूरा खत्म करूंगा। अरे मेरे प्यारे भाई सुधर जा सुधर, अबे गन लेके आ जाता, मतलब खाली हाथ कौन बदतमीज आता लड़ने के लिए, वो भी मिनी गन के सामने खाली हाथ आ रहा है, ले बेटे और चाहिए क्या, आ जा जा गोली बहुत है, किसी के आज हम कमी नहीं करेंगे, आज हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, सभी को भरपूर गोलियां दी जाएगी, अभी तक तो 1000 गोली भी खर्च नहीं हुई है और तेरे बंदे तो इतनी जल्दी खत्म हो गए मेरे टिंडे, क्या हाल चाल है बेटे, है और कोई प्यारा मेरा लाडला भाई। ओके सामने एक प्लेन खड़ा हुआ है, इसको पहले ही खत्म कर देता हूँ, इससे पहले टिंडा के दिमाग में ख्याल आए के प्लेन लेके मैं उड़ जाता हूँ यहाँ से, उड़ेगा बेटे उड़ाएंगे तेरे को अभी एलियन गन से उड़ाएंगे, पहले तेरे 2-4 बंदों को मैं ढीला कर दूँ, ये ले बेटे क्या कैसे धुआं कहाँ से निकल रहा है, ना तो इन्होंने आग जला के रखी है, कमाल है भाई, ये ले बेटे है और कोई मेरा प्यारा भाई जिसको गोली खानी है, तो लगभग भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है सारे बंदे आसपास के मैंने खत्म कर दिया, चलो जो कोई बंदा दूर होगा उसको जाने दो, उसको नहीं मारते, अभी टिंडे से बातें करनी है, डॉगी मेरे को काटेगा बेशरम, टिंडे मेरे भाई क्या हाल चाल है कैसा है रे, अरे हम क्या बड़ा साइको बन के दिखा रहा था, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, मेरे को माइकल की फैमिली का खून पीना है, अबे वैम्पायर है तू खून पिएगा, कमाल है यार कैसे कैसे नमूने हैं शहर में, तेरे को मैंने भाई बोल दिया था कि एक गलत फहमी हो गई थी, मैं सोच रहा था वो कमांडर के बेस है जिन पर मैं गया था, मुझे नहीं पता था भाई वो तेरे बेस है, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ रही है, मैंने पहली बार तेरे को देखा है, जान ना पहचान, मैं क्यों तेरा नुकसान करूंगा, बट भाई तेरी मोटी बुद्धि है उसमें इतनी सी बात ही नहीं घुसी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो कोई आखिरी ख्वाहिश है जल्दी बोल, तेरा डोगी भी नहीं रहा तो तेरे को बुला रहा होगा ना, उसके पास तेरे को जाना है, तो मेरे प्यारे भाई जल्दी बोल क्या तेरी आखिरी ख्वाहिश है, जल्दी बोल। भाई ड्राइवर को कुछ हो गया भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अबे टिंडे क्या हो गया इसको, टिंडे बहुत मारूंगा बेटे, जल्दी बोल तूने यहाँ पे कोई गैस लगा के रखी है क्या, नहीं अगर गैस होती तो तेरे को भी असर होता, इसने कोई मास्क तो लगाया नहीं है, ड्राइवर बबुआ अरे खड़ा हो भाई, मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा यार, ड्राइवर को कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई, इसकी हालत खराब होती जा रही है, अबे टिंडे बोलना मेरे भाई जल्दी बोल क्या हो गया इसको, भाई टिंडे ने मेरे को सब बता दिया है, बड़ी खतरनाक प्लानिंग करता है बंदा, अरे रे रे अच्छा हुआ फैमिली माइकल की सेफ है, वो यहाँ से चली गई, ये तो सच में पागल है, मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर मैंने तेरे को तभी वहाँ पे देख लिया था जब तू मेरे डॉक्टर को डरा रहा था, मैंने वहाँ पे तेरे को देख लिया था और मेरे को दुख तो बहुत हो रहा है कि मैंने अपने डॉग को आज वैक्सीन नहीं दी, इसको एक अलग किस्म की जहर का इंजेक्शन मैंने दिया है, तेरी वजह से मेरे को अपने डॉग को मारना पड़ा है, तो भाई इसने अपने डॉग को जो वैक्सीन लगाई है ना वो वैक्सीन थी नहीं भाई, इसने अपने डॉग को कोई अलग तरीके का जहर लगाया है, वैसे भी इसका डॉग मर ही जाता थोड़ी देर में और इसके डॉग ने जहर का इंजेक्शन लगवा के मेरे को भी काट लिया, तो उसी चीज का असर अब ये ड्राइवर के अंदर हो रहा है, अबे भाई क्या थी ये चीज, सच में ही साइको है भाई, अपने प्यारे डॉग को इसने मार दिया, भाई टिंडा मेरे को बोल रहा है कि ड्राइवर टेंशन मत ले तू मरेगा नहीं बट तू एक तरीके से जिंदा भी नहीं रहेगा, अभी थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगा बट हमेशा के लिए अब तू ऐसा ही हुआ करेगा, हर 15-20 मिनट में तू मरेगा, हर 15-20 मिनट में तू जिंदा हो जाएगा, मतलब कि इस जहर का कुछ अजीब सा ही असर होता है, अब जैसे इसका असर हो रहा है ट्रेवर के ऊपर तो ट्रेवर कुछ नहीं कर पा रहा, इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है, अब ये कुछ काम नहीं कर पाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जहर का असर खत्म होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर 10-15 मिनट बाद फिर जहर का असर स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये ऐसा ही हो जाएगा,
अरे मेरे भाई कहाँ से लाया तू ऐसा जहर? अबे तुम नमूनों कहाँ से ढूंढते चीजों को? ये बड़ा कमाल का बंदा टिंडे बेटे, तेरा तो मैं एंड कर दूंगा भाई। टिंडा बोल रहा है कि ट्रेवर ऐसे ही पड़ा रहे और अब तो आज के बाद मेरे को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, अब मैं निकलता हूँ, गुड बाय भाई। गुड बाय बोल रहा है मेरे को। अबे टिंडे बेशरम प्लीज यार एंटीडोट दे जाए, कब तक मैं यहाँ पे पड़ा रहूंगा यार। भाई लेस्टर के पास आया चोर का फोन, आपको बताए हमारे प्यार ट्रेवर की तो हालत खराब है, तो पहले ट्रेवर को इसने फोन करा बहुत बार और अभी लेस्टर को फोन करके बोला है चोर ने कि लेस्टर भाई मैं ट्रेवर भाई को बहुत देर से फोन लगा रहा हूँ बट वो फोन नहीं उठा रहे। अबे कैसे उठाएगा भाई, उसका तो इलाज कर गया। तो चोर बोल रहा है कि मैं उनके लिए कार लेकर के आया था लेस्टर भाई, आप आकर के चेक कर लीजिए। तो चल मेरे प्यार लेस्टर, देखते आज कौन सी कार लेकर के आया हमारा प्यारा चोर। भाई मैं हाईवे पर आ चुका हूँ, गाड़ी में साउंड नहीं है, ये सबसे अजीब बात लग रही है, नहीं तो इसकी साउंड इतनी मस्त होनी चाहिए थी, मजा आता इसको चलाने में और स्पीड भी काफी कम है, तो इसका मतलब ये बैटरी कार है भाई। देखो 113 कुल 6720 मतलब 120 तक चली गई है। ओके 130 पहुंच जा 130 पहुंच चुकी है, 140 भी शायद से जा सकती है। 140 कल तो भाई भाग रही थी 400 कार, आज सीधा 150। अरे क्या मेरे भाई इतनी कम एकदम से? अरे यार चोर कम से कम 200-250 वाली तो लेके आएगा, मैंने उसको इतनी बार बोल के रखा है कम से कम कार 200 तो भागनी चाहिए। इसको देखो भाई ओनली 140 जा रही है, ड्राइवर को एक बार सही हो जाने दो, वो लेस्टर के पास खुद ही पहुंच जाएगा, फिर देखते हैं यार उसको क्या दिया जाएगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। बहुत ही बुरी चीज दे दी इस टिंडे ने, 15 मिनट तक सही रहेगा और फिर खराब हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा फिर खराब हो जाएगा। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको सेट कर दो। अगर तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया जाकर के उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जीटी की वीडियो डालता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर लो। भाई अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।